अरे कनिका, हाय, कैसी हो तुम यार? बहुत टाइम बाद दिखी हो, कहाँ हो आजकल? और बेटा, मैं ना बहुत नोटिस कर रहा हूँ, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप तुमने हर जगह से ब्लॉक कर दिया, यहाँ तक कि टेलीग्राम से भी। हाय, माय सेल्फ अभिषेक, तुम कनिका की फ्रेंड हो क्या? अबे काय का फ्रेंड, बंदी थी मेरी ये। और कनिका, तुमने बताया नहीं क्या इसको, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड था। भाई साहब, हमारा 3-4 साल तक रिलेशन चला था, और क्या मजे करे हमने, पूरा हिंदुस्तान घूम रखा है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मनाली, शिमला, गोवा, बैंकॉक और कसोल। कसोल के बारे में बताया भाई साहब, पूरे 10 दिन तक मजे लिए थे हमने। बस दुबई का रह गया, वीजा नहीं लगा। अगर वीजा लग जाता ना तो दुबई भी घूम के आते, और अब तो मेरा वीजा भी लग गया है। लेकिन अब क्या फायदा कनिका, अब तो हम अलग हो चुके। अगर अभी भी ये मेरे साथ होती ना तो हम फिर से बहुत मजे करते। पर ये कौन है, किस नमूने के साथ घूम रही हो तुम? तुम्हें तो मैं कनिका, चलो चलते हैं। अरे हाँ यार, आ रहा हूँ। हाँ हाँ, आ रहा हूँ। अच्छा, तूने बताया नहीं तुम्हारी हाँ है या ना, क्योंकि पापा पूछेंगे ना कि प्री का क्या रहा और तुम्हें फाइनल अटेम्प्ट करना है या नहीं करना। आपको अभी भी अटेम्प्ट करना है? आई मीन यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद ऑल दैट हैपेंड? उसने मेरे बारे में इतना कुछ बोला, 3-4 साल तक हमारा रिलेशनशिप था, आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? प्लीज डोंट माइंड, बट मैं आपको ऐसे जज नहीं कर सकता। पास्ट आपका कैसा भी रहा हो, अच्छा बुरा, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम उसको छोड़ के अपने फ्यूचर पे फोकस करते हैं ना। उसने आपको नमूना बोला, इवन मुझे गुस्सा आ गया था, आपको नहीं आया? मेरे पापा पता है क्या बोलते हैं, अगर आप गली से निकल रहे हो और आपको देख के 4 लोग आपको पागल बोल रहे हैं, और आप उनको देख के शर्ट के बटन खोल लेते हो, शर्ट को ऊपर कर लेते हो, तो आप पागल हो। अगर आप उनको इग्नोर करोगे ना, उन पर ध्यान नहीं दोगे, तो आप समझदार इंसान हो। और किसी के नमूना बोलने से मैं नमूना थोड़ी हो जाऊंगा। आप काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो। चलो आपको घर छोड़ देता हूँ। वैसे आपको डेस्टिनेशन वेडिंग पसंद है या सिंपल वेडिंग? अरे मैं कितना पागल हूँ, अभी आपने हाँ भी नहीं बोली और मैं आपसे वेडिंग के बारे में पूछ रहा हूँ। चलो कोई नहीं, आप सोच समझ के आंसर दे देना मेरे को, ठीक है? चलो। ये बेटा चुप क्यों है, कैसा लगा लड़का? पापा, ऐसे भी लड़के होते हैं क्या? क्यों, क्या हुआ, पसंद नहीं आया क्या? नहीं, आज पता है क्या हुआ? और कनिका, तुमने बताया नहीं क्या इसको, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड था। भाई साहब, हमारा 3-4 साल तक रिलेशन चला था, और क्या मजे करे हमने, पूरा हिंदुस्तान घूम रखा है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मनाली, शिमला, गोवा, बैंकॉक और कसोल। कसोल के बारे में बताया भाई साहब, पूरे 10 दिन तक मजे लिए थे हमने। अच्छा, तूने बताया नहीं तुम्हारी हाँ है या ना, क्योंकि पापा पूछेंगे ना कि प्री का क्या रहा और तुम्हें फाइनल अटेम्प्ट करना है या नहीं करना। आपको अभी भी अटेम्प्ट करना है? आई मीन यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद ऑल दैट हैपेंड? उसने मेरे बारे में इतना कुछ बोला, 3-4 साल तक हमारा रिलेशनशिप था, आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? प्लीज डोंट माइंड, बट मैं आपको ऐसे जज नहीं कर सकता। पास्ट आपका कैसा भी रहा हो, अच्छा बुरा, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम उसको छोड़ के अपने फ्यूचर पे फोकस करते हैं ना। देखा बेटा, मैंने तेरे को पहले ही बोला था कि जब तेरा ब्रेकअप हुआ था ना, तू इससे बेटर लड़का डिजर्व करती है। देख बेटा, ये लड़का मुझे तो बहुत पसंद है, आगे तेरा डिसीजन है, तेरी हाँ है या ना। मेरी तरफ से तो हाँ है, तू बैठ, मैं तेरे लिए जूस लेके आता हूँ। ठीक है।